जय हिंद साथियों, जो भी SSC JEE भर्ती 2023-24 में आवेदन किए हैं उन सभी के लिए वीडियो है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। जो भी बच्चे आवेदन किए उन सभी को एक तरह से झटका लग चुका है जो इस वीडियो में देने वाला हूं। आज पेपर में भी आउट हुआ है। जो बच्चे फॉर्म आवेदन किए हैं बहुत बड़ा जोड़ का झटका लगा है उस सभी बच्चों के लिए। क्या है मामला उस वीडियो में देने वाला हूं। साथ में साथ आपके साथ हमारे कुछ दोस्त लोग भी फॉर्म आवेदन किए थे, उन सभी के साथ भी ऐसा हुआ है। जो इसको आपको कैसे कर सकते हो क्योंकि आपका एडमिट कार्ड नहीं आ सकता है जिसके कारण, तो वीडियो में शेयर करने वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। कोई लाइक के लिए कोई व्यू के लिए वीडियो नहीं बनाया जा रहा है, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के पास जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। सबसे पहले साथियों आप सभी को बता दूं, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे बुक, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ सबसे बेस्ट बुक है अभी चक्षु प्रकाशन का। जो बच्चे अभी तक नहीं खरीदे हैं इस बुक को खरीद लो, परचेस कर लो। ये ऑनलाइन मंगा सकते हो फ्लिपकार्ट अमेजोन या फिर नियरली किसी दुकान से भी खरीद सकते हो, क्योंकि पिछले साल इसके अकॉर्डिंग हज़ारों बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। इसी बुक से पढ़ने के बाद बहुत सारे क्वेश्चन मैच कर जाते हैं जो इस बुक में होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन मैच करते हैं। तो इस बुक जो है सबसे बेस्ट है, हमने खुद परचेस किया है, अभी परचेस कर लो। SSC JEE की तैयारी कर रहे हो जो बच्चे, इससे इसका सिलेक्शन चांसेस बढ़ जाता है और इसका 5-स्टार रेटिंग भी दिया हुआ है, आप देख सकते हो। तो बहुत बढ़िया है बुक है, इस बुक को परचेस कर लो। बुक का नाम है चक्षु प्रकाशन का बुक है, फ्लिपकार्ट अमेजोन से मंगा सकते हो, साथ ही फिर ऑफलाइन कोई भी दुकान से भी खरीद सकते हो। अब चलिए मेन टॉपिक की ओर चलते हैं, क्या एक जोड़ का झटका लगा है उसके लिए। साथियों एक झटका की बात इसलिए लेकर है कि अभी आपने बता रहा हूँ SSC JEE में अभी तक बहुत बड़ा एक तरह से समझो कि रूल आने वाली खबर भी है, जो बच्चों का सबमिट हो गया उन सभी के लिए अच्छी है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को दिक्कत भी है। पहले आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, जो भी बच्चों का अभी आवेदन कर चुके हैं एडमिट कार्ड को, अभी जो है लास्ट 31 तारीख को लास्ट इसका डेट है आवेदन करने का। तो 31/12/23 को लास्ट डेट है SSC JEE का आवेदन करने का। और इसके बाद सब तो क्या है आपका कि बहुत बार बच्चों का इंतजार रहेगा एग्ज़ाम कब आएगा, तो एग्ज़ाम आप सभी बता दो तो मार्च में आपका होने वाला है, इसी को जानकारी होगी। लेकिन साथ एग्ज़ाम से पहले ही बहुत सारे बच्चों का आवेदन जो है रद्द कर दिया गया है SSC के थ्रू, बहुत सारे बच्चों का आवेदन रद्द कर दिया गया है। RTI बहुत सारे बच्चे लगाना शुरू कर दिए, ये सब चीज़ अभी कोई फ़ायदा नहीं है। फिर तो बहुत सारे बच्चों का जिसको पता चल गया आवेदन रद्द कर दिया गया वो फिर से आवेदन कर ले रहे हैं। अगर आपके साथ ऐसा हुआ होगा तो आप भी फिर से आवेदन कर लीजिए, नहीं तो भैया परीक्षा के समय आपको एडमिट कार्ड को भी नहीं मिलेंगी और साथ में आपको बता दूँ तो थोड़ा दिक्कत भी परेशानी भी पड़ सकती है, इस चीज़ को भी ध्यान रखिए। भली बात ही समझ रहे हैं आप सभी। और आपको जानकारी लिए मैं बता दूँ सब, तो जो भी SSC JEE के भर्ती में आवेदन किए हैं और यहाँ पर क्या मामला है, झटका क्यों लग रहा है, क्यों जो एडमिट कार्ड नहीं आएगा वो पहले बता देता हूँ। देखिए साथियों बहुत सारे बच्चों का क्या था, छोटी छोटी गलती, एक एक पॉइंट एक एक नाम के लेकर मिस्टेक से उसको रद्द कर दिया गया, पूरा एकदम कॉन्फर्मेशन से उसको जांच किया जा रहा है कॉपी को। यानी जब आवेदन किया है तो उस समय जो है जितना भी आपका आधार कार्ड मिला है आपको लगा, जितना भी आपका नाम आवेदन में लगा, आपका जो है क्लास 10th का सर्टिफिकेट लगेगा, तो सारा सर्टिफिकेट में जो कुछ भी लगा है सब कुछ में, जैसे बहुत सारे बच्चों का क्या है कि नाम को लेकर भी दिक्कत है, जैसे किसी बच्चों का जैसे मान के चले किसी बच्ची का बच्चों का मान चले पुनीता नाम है, तो PUNITA होता है पुनीता, तो बहुत सारे बच्चों का क्या होता है पुनीता नाम है POONITA भी होता है, तो बहुत सारे बच्चों का क्या है कि अगर आधार कार्ड में ये वाला है तो कहीं आवेदन करने गए थे तो ये वाला भिन्न हो गया है, सबमिट हो गया है, तो इसके लेकर भी डाउट कर दिया गया, एक एक पॉइंट को लेकर छाटना स्टार्ट कर दिया गया है। आप एक चीज़ को लेकर फिर से दोबारा नहीं आवेदन कर सकते हो, ये चीज़ को भी ध्यान रखना। तो इसलिए सब जो बच्चों का डाउट है, यहाँ पर बहुत सारे बच्चों का लग रहा है कि आधार कार्ड दोबारा से बनवा लेंगे, भाई आधार कार्ड दोबारा बनवा लोगे तो फिर आप एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंग जो है जब आवेदन किए उसके अकॉर्डिंग आपका एडमिट कार्ड आएगा, तो जारी सी बात है आपको एग्जाम में भी बैठने नहीं दिया जाएगा, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। और छोटे छोटे गलती है उसको भी आवेदन के रूप में रद्द कर दिया जा रहा है, बहुत सारे बच्चों का ये चीज़ देखने को मिला है, शायद आपका जो है भी रद्द कर दिया जाएगा, ऐसा हो सकता है। तो गलती है तो आप चीज़ प्लीज़ मत कीजिएगा, हो सके तो दोबारा इस पर आवेदन कर लीजिएगा, समझ में आएगा ना। तो आपको छोटे छोटे चीज़ों के जैसे मैं देखा कि बहुत सारे बच्चों का डेट ऑफ बर्थ में भी कटा जा रहा है नंबर, जैसे किसी का 22 तारीख मान लीजिए 12/12/2003 है डेट ऑफ बर्थ है और उसमें केवल 2003 है आधार कार्ड में, तो उसमें भी काट दिया जा रहा है, सोच सकते हो छोटे छोटे चीज़ों के लिए गलती, तो आप इस चीज़ को भी ध्यान रखना, नाम है मिस्टेक की सब चीज़ों में अब हल्का थोड़ा थोड़ा गलती के लिए ही काटा जा रहा है। तो सबमिट बहुत सारे बच्चों का रद्द हो चुका है और अभी तक बताऊँ सोरसा आप सभी के जो भर्ती बढ़ने की बात हुई थी वो आप सभी के बारे में अभी तक कोई लेटेस्ट अपडेट निकल के नहीं आई है, खुद हमने भी बताया था पहले वीडियो में कि आपका इंक्रीजिंग भर्ती हो जाएगी लगभग अभी फिलहाल 40-45 हज़ार के आसपास होगी, उसके बाद जो है लास्ट में ज़्यादा 80 हज़ार तक हो जाएगी, बट इसके लेकर अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। और एक तरह से आप अपडेट आ जाएगा ऐसा चीज़ अगर नहीं है, लेकिन आप लोग का साथ जो भी सब चीज़ डाउट था आप लोग जो भी तैयारी कर रहे होंगे जब तक एडमिट कार्ड नहीं आएगा, क्योंकि छोटा छोटा चीज़ों के लिए फॉर्म ही को रद्द कर दिया जा रहा है, आवेदन को रद्द किया जा रहा है, पूरा स्ट्रिक्टली जाँच किया जा रहा है, तो समझ लेना कि कहीं ना कहीं आपको एक तरह से मौका जो है यहाँ पर गंवाना भी पड़ सकता है, समझ में आ गया जो मैं बताना चाह रहा हूँ आप सभी को।
तो आप जितना हो सके साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। जो भी बच्चे थोड़ा सा भी गलती मिस्टेक किया आवेदन करने में, आप फिर से जांच कर लीजिए, बार देखवा लीजिए, और उसमें थोड़ा सा भी आवेदन में गलती निकलता है तो आप इस चीज़ को जो है दोबारा से फिर से रीआवेदन कर दीजिए, ताकि कोई प्रॉब्लम ना है। समझ में आएगा ना? और भी कोई डाउट रहेगा तो कमेंट कर जरूर पूछेगा, और उसके बारे में अपडेट मैं कर दूंगा। तो ये वीडियो को एंड करता हूँ। अब जितना हो सके इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।